फ्रेंड्स, वेलकम टू मंगला सेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 के बारे में, जिसके अक्सर 13 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर लिया था, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ आरत टर्म। तो देखो, मैं बात करूं कि जो फॉर्मूला आपका आएगा वो TR+1=NCR(x^(n-r)y^(r) कब? जब x+y^(n) गिवन है, तब इसकी जनरल टर्म ही आएगी। तो आपको सबसे पहले ये आर टर्म फाइंड आउट करना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है, TR फाइंड आउट करना है। इस टाइप R को मैं देखो 1 है ना, ये 1 निकालना है, तो इस TR की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, TR की वैल्यू को R-1+1। अब ये पूरी वैल्यू R होगी, R की वैल्यू वहां पे पुट करनी है, N की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये TR हो गया, फिर TR+1 वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर TR+1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लीजिए TR+2 वाली टर्म इन द एक्सपेंशन x+a^(n) आर इन द एपी, यानी इनकी ये जो तीनों टर्म है वो किस में है, एपी में। तब आपको ये वाली कंडीशन प्रूव करनी है, तो करते हैं। देखिए, सबसे पहले TR टर्म फाइंड आउट करनी है, इस एक्सपेंशन की फाइंड आउट करनी है, तो आपकी वैल्यू आएगी यहां से, देखो कितनी आएगी, NCR-1, ये कोफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। ये अपन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ओनली, ठीक है। ये लीजिए कोफिशिएंट इसका हो गया, इसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करूं तो RNCR, और इसका मैं कोफिशिएंट, देखो इसकी बाद में जो वैल्यू आएगी वो कोफिशिएंट में नहीं आएगी, ठीक है ना। ये आएगा इसका कोफिशिएंट आपका, और इसका कोफिशिएंट ये हो गया, और इसका मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इसको TR+1+1, ये R की वैल्यू हो गई, तो NCR+1 ये इसका कोफिशिएंट हो गया। अब इस टर्म का कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट और इस टर्म का कोफिशिएंट, तीनों किस में है, एपी में है, तो ये जो तीनों कोफिशिएंट है वो एपी में हो गया आपके। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इनके बीच में, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि एन सी, लिख दो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ कौन सा, NCR-1, NCR एंड NCR+1 इन एपी, किसमें है, एपी में है, और ये एपी में है, तो इस टर्म का डबल यानी 2 × NCR ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। तो लिख सकता हूं NCR-1 plus NCR+1, ये वैल्यू में लिख सकता हूं। अब मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां पे कर देता हूं मैं, इसको मैं एक्सपेंड कर दूं तो 2 × N·R·, इन दोनों का माइनस कितना, N-R·, ये लिख सकते हैं। फिर यहां से N·, इसको देखो सोल्व करो, ये वैल्यू हो गई R-1 और इन दोनों का माइनस कर दूं तो वैल्यू आएगी N-R, ये माइनस से मल्टीप्लाई तो -R+1+1, ये फैक्टोरियल हो गया प्लस, ध्यान से देखना, इसको एक्सपेंड करेंगे अपन NCR, इसको मैं एक्सपेंड करूं तो N·R+1 इंटू इन दोनों का माइनस N-R-1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस पूरे को मैं सोल्व करूं तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट, यानी यहां से N कॉमन आके इस N से कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई करवा दो तो जो रिमेनिंग वैल्यू है वो देखो कितनी आएगी आपकी, ठीक है। इतना मैं क्वेश्चन को भी रब कर देता हूं, ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कीजिए आराम से। देखो इसको ध्यान से देखना, इसको अपन एक्सपेंड कैसे करें, ध्यान से देखना, ये तो सेम हो गया,
ये टू तो यहां पे हो गया। अब यहां पे आर फैक्टोरियल है, यहां पे आर माइनस वन है और यहां पे आर प्लस वन है। तो अपन किसी भी टर्म को एक्सपेंड करें तो अपन जानते हैं कि आर फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल आपको गिवन है। एन फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करूं तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ऐसे ये चलता जाएगा। जहां पे रोकना वहीं पे फैक्टोरियल लगा दो। तो इसको मैं एक्सपेंड करूं कहां तक करना है, आर माइनस वन तक करना है। ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी आई, आर इंटू ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई ध्यान इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको एक्सपेंड करना है, देखो यहां पे माइनस वन है ना, तो इसको एक्सपेंड कर दो, ये माइनस वन ये प्लस वन आएगा भाई, इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ये प्लस वन आएगा। ये लो इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस आर और ये माइनस माइनस प्लस ये आएगा, और इसको आप माइनस वन तक एक्सपेंड कर दो तो आपकी वैल्यू आएगी एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर, इसमें से एक माइनस करो माइनस वन फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं, इक्वल टू एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट वन अपॉन में इसको एक्सपेंड। देखो ये वाली वैल्यू तो यहीं पे है तो इसको तो सेम ही रख दो, यानी आर माइनस वन फैक्टोरियल सेम, और इसको मैं एक्सपेंड करूं तो वैल्यू आएगी एन माइनस आर प्लस वन इंटू एक माइनस करो एन माइनस आर माइनस हो गया, एक माइनस करते ही और फिर ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, और एक टर्म और लिख दीजिए, क्या लिख दूं यहां से मैं, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसको देखो इक्वल टू में कितना आएगा, इक्वल टू नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस वन अपॉन में इसको एक्सपेंड करूं तो आर प्लस वन एक माइनस करो आर एक और माइनस करो आर माइनस वन फैक्टोरियल, और वो वाली वैल्यू सेम एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल ये लीजिए। अब देखो मैं कॉमन निकाल दूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां से देखना टू अपॉन में आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल ये लिख सकते हैं। यहां से और यहां से मैं कॉमन निकालू आर माइनस वन, यानी वन अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और फिर एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। इसकी जो आगे वाली वैल्यू होगी वो देखो रिमेनिंग वैल्यू यहां पे कितनी है, ये बाहर आ गया और ये वाली वैल्यू रिमेनिंग रहेगी, यानी एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन ये वैल्यू आपकी रिमेनिंग। फिर प्लस वन अपॉन में यहां पे रिमेनिंग कितना आर इंटू आर प्लस वन ये लीजिए। अब ये पूरी वैल्यू और इस वैल्यू से कैंसिल आउट, ठीक है ना, इस वैल्यू से जो कैंसिल वाली वैल्यू है वो देखो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट। ठीक है, तो इधर तो कितनी वैल्यू है आपकी टू अपॉन आर इंटू एन माइनस आर। ठीक है, और इधर मैं एलसीएम ले लूं इस पूरी क्वांटिटी का तो आपकी वैल्यू देखो कितनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका एलसीएम नहीं आर इंटू आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन ये आपका एलसीएम होगी। इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये वाली वैल्यू रिमेनिंग तो आर इंटू आर प्लस वन प्लस इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये रिमेनिंग वैल्यू तो एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन ये लीजिए। अब देखो ये आर से आर कैंसिल आउट, ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर से कैंसिल आउट, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं, जो प्रूव करना है उसी को मैं प्रूव करता हूं। देखो यहां से ये वाली वैल्यू तो टू हो गई, ओनली ओनली फॉर टू हो गई। ठीक है, और ये वाली वैल्यू इनका मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में आर स्क्वायर प्लस आर प्लस इस एन का एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस का एन माइनस एन आर, फिर इस आर का इसके साथ में प्लस आर स्क्वायर और माइनस का आर ये लीजिए।
इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो एन आर, और इसके साथ में आर स्क्वायर, और इसके साथ में प्लस का आर, वन के साथ में एन माइनस आर और प्लस का वन, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, कटने वाली वैल्यू ये काट दीजिए, ये लीजिए, और ये पूरी वैल्यू जो रिमेनिंग है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो टू एन आर माइनस टू आर स्क्वायर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू एन प्लस टू इक्वल टू ये आर और ये आर स्क्वायर, तो कितना टू इंटू आर स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू कैंसल आउट, ये लो एन स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू माइनस का टू इंटू एन आर और ये प्लस का एन, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से स्टार्ट कर दो तो ये वाली वैल्यू तो एन स्क्वायर हो गया, टू आर स्क्वायर और ये माइनस का टू आर स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का कितना फोर आर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू भी हो गई। अब यहां पे ये माइनस टू एन आर है और ये प्लस का टू एन आर इधर जाएगी तो माइनस का और ये माइनस का डबल हो जाएगा तो माइनस का फोर एन आर, फिर ये एन है और ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो एन माइनस टू एन कितना माइनस का एन, और ये टू इधर जाएगा तो माइनस का टू और इक्वल टू में कितना जीरो। अब इसी वाली क्वांटिटी को मैं देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर देखना ये तो एन स्क्वायर और इन दोनों में से मैं माइनस एन को कॉमन निकाल दूं तो वैल्यू आपकी आएगी फोर आर प्लस का वन, ठीक है, और ये वाली वैल्यू प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू जीरो, और ये आपको प्रूव करना था, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एन फोर आर प्लस वन प्लस आर फोर आर स्क्वायर माइनस वन, तो ये आपको प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो देखिए 19 क्वेश्चन क्या है, नाइनटीन क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि इन द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन, इसमें द कोपिशियंट ऑफ फोर्थ टर्म, यानी द कोपिशियंट ऑफ फोर्थ टर्म टी फोर इक्वल टू द कोपिशियंट ऑफ नाइन्थ टर्म, कोपिशियंट ऑफ नाइन्थ टर्म, ठीक है, फाइंड द एन, यानी आपको क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है और टी सिक्स फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से, मैं नाइन्थ का टर्म फाइंड आउट करूं तो जनरल टर्म तो अपन जानते हैं, यानी मुझे टी आर फाइंड आउट करना है, तो टी आर से मैं टी फोर फाइंड आउट कर लूंगा, तो टी आर का फॉर्मूला देखो, टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर x की पावर n माइनस आर y की पावर r, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो इस वाले 4 में इसको मैं 3 प्लस 1 लिखूंगा जिसमें ये r की वैल्यू है, तो इसमें जो कोपिशियंट आएगा इस टी फोर का वो देखो कितना आएगा, ध्यान से देखना बस थोड़ा सा, ये n की वैल्यू c, ये r की वैल्यू 3, और ये आपका वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसको तो मैं छोड़ रहा हूं, और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी देखना ध्यान से, एन सी 8, या अब मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको कि आपको गिवन है एन सी ए इक्वल टू एन सी बी, यहां से दो कंडीशन मिलेगी आपको, एन इक्वल टू ए प्लस बी और ए इक्वल टू बी, ये दो कंडीशन आपको यहां पे मिलती है, तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू सेम है, तो इन दोनों का सम, यानी एन की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11 की इक्वल होगी, यहां पे लिख देता हूं एन की वैल्यू कितनी हो गई 11, ये तो हो गया आपका एन का आंसर। अब आपको टी सिक्स फाइंड आउट करना है, टी सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 1 लिख सकता हूँ, और क्वेश्चन में सोल्व करें तो n जो डंडन ड्रम है उसमें पुट कर दो, n की वैल्यू 11
आर की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 11 माइनस 5 6 हो गया, और इनटू वाई की वैल्यू 1 अपॉन एक्स और इस पूरे की पावर 5। ये लीजिए, इसी को मैं एक्सपेंड करूं तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, और एक्स स्क्वायर की पावर 6 है तो एक्स की पावर 12 इनटू 1 अपॉन एक्स की पावर 5। ये लीजिए, इसको मैं एक्सपेंड करवा दूं तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसको 11 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो, 11 इनटू 10 इनटू 9 इनटू 8 इनटू 7 इनटू 6 फैक्टोरियल, और इस 5 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दूं तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये इसे कैंसिल आउट होगा तो x की पावर 6 आ जाएगी 7, ठीक है। तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और 5 और 2 से ये 10 कैंसिल आउट, और इस 4 से ये कैंसिल आउट, और इस 3 से ये कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो 7 6 42, तो 11 इंटू 42, और 11 इंटू 42 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 462 इंटू एक्स की पावर 7। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लेना और अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको ये गिवन है, इसमें थोड़ा सा फिल करना है आपको, द कोफिशिएंट ऑफ, आपको ये फाइंड आउट करना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन फाइंड आउट करना है, किस एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन इसमें, ठीक है। और ऑप्शन आपको गिवन है इसमें, ठीक है, कुछ एक ऑप्शन गिवन है और वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसको, ध्यान से देखना। इनका कोफिशिएंट फाइंड आउट करूं मैं तो जनरल टर्म तो लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ये तो 1 प्लस एक्स हो गया, इसमें मैं जनरल टर्म लगाऊं इस वाले में, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो, इस 1 को तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी आपकी, या फिर एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, ये माइनस ही है ना, माइनस ही, देखो एक्सपेंड कर दू मैं इसको, इस वाली वैल्यू को, तो आपकी वैल्यू आएगी 1 प्लस एक्स इंटू, ये कितना आएगा, एन सी आर, ठीक है, और 1 की पावर इन दोनों का माइनस रहने दो, और ये आएगा माइनस आर एक्स की पावर आर, ये जनरल टर्म आ जाएगी इसकी, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में कर दूं तो ये वैल्यू आएगी एन सी आर माइनस 1 की पावर आर, ठीक है, और एक्स की पावर आर, ये लीजिए, ये ले सकते हैं ना, और इस वाले टर्म को मैं, ये पूरी वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपकी वैल्यू आएगी, ये माइनस तो यहां पे माइनस 1 की पावर आर, और ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो एन सी आर एक्स की पावर आर, और ये एक पावर और आ रही है आपकी, तो वैल्यू आएगी आपकी एक्स की पावर 1, ये लिख सकता हूं, यहां से इसको लिख सकता हूं माइनस 1 की पावर आर इंटू एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस माइनस 1 की पावर आर इंटू एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस 1, बेस सेम है, दोनों पावर एड हो जाएगी, यानी इस टर्म की जनरल टर्म ये होगी, इसको मैंने इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब आपको एक्स की पावर एन वाली टर्म चाहिए, कौन सी, एक्स की पावर एन वाली टर्म, तो देखो यदि मैं एक्स की पावर एन यहां पे पुट कर दूं, यानी आर प्लस 1 की वैल्यू मैं एन पुट कर दूं तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, एन माइनस 1 हो गई, ये वाली वैल्यू मैं यहां पे पुट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी माइनस 1 की पावर आर इंटू एन सी,
ठीक है, इसमें तो आपको एक्स सी एन ही पुट करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसमें आपको ये ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसको भी कॉमन निकाल लो, ये कॉमन आ रहा है ना आपका, ये वैल्यू कितनी, एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस माइनस वन आर, ये कॉमन आ गया, तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू आएगी एन सी आर एक्स की पावर आर प्लस वन, ये लो। अब एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहां पे आर की वैल्यू आपको पुट करनी है एन के इक्वल, ठीक है, और एन के इक्वल में पुट कर दू तो माइनस वन की पावर आर इक्वल टू एन सी एन, ठीक है, और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आपको कोफिशियंट चाहिए इसका, तो ये कोफिशियंट आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो वैल्यू क्या आएगी आपकी इसकी, ये वाली वैल्यू तो आपकी वन हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू आपकी एन माइनस वन हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं चलो देखो एन माइनस वन और ये माइनस और टू आपका कॉमन नहीं आ रहा ना, चलो ये पुट कर देते हैं अपन। यदि मैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करूं ये एन माइनस वाला केस, तो देखो वैल्यू तो अपनी आ रही है, यहाँ पे माइनस नहीं है क्या, ये माइनस, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां से लिख सकता हूं माइनस वन की पावर आर, ये तो हो गया, और इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आपकी वैल्यू आएगी वन प्लस, इसको एक्सपेंड करूं तो वैल्यू आएगी एन माइनस ये एन, ये कितना आएगा आपका एन, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी। अब आपकी वैल्यू आपका आंसर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे जो वैल्यू आएगी ना आर की वैल्यू, इस केस के अकॉर्डिंग आपकी आर माइ एन माइनस वन होगी। तो देखो मैं थोड़ा सा दोबारा रख कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, क्योंकि आपको वैल्यू दोनों में अलग अलग पुट करनी पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, ये माइनस वन की पावर तो एन होगी, ठीक है, ये तो माइनस वन की पावर एन होगी, ठीक है, और इसको मैं वैल्यू पुट कर दूं इसके अकॉर्डिंग, कोफिशिएंट चाहिए ना ये, तो ये वैल्यू हो गई आपकी एन एक्स की पावर एन प्लस माइनस वन की पावर, इसकी वैल्यू कितनी है एन माइनस वन, और एन सी आर एक्स की पावर एन, और इसकी वैल्यू कितनी है एन माइनस वन, ये लीजिए। अब देखना आराम से इसको, माइनस वन की पावर एन और इसको मैं एक्सपेंड करूं तो इसकी वैल्यू तो एन हो गई, वन हो गई इसकी, तो ये लीजिए, और ये एक्स की पावर एन प्लस, इसको एक्सपेंड करूं तो माइनस वन की पावर एन इंटू माइनस वन की पावर माइनस वन लिख सकता हूं, और ये वाली वैल्यू एन हो गई, और ये एक्स की पावर एन, ये लो, यानी ये वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू वन हो गई, ये वाली वैल्यू सेम है, ये माइनस एन की वैल्यू ये हो गई, और इसको मैंने अलग अलग पावर फॉर्म में तोड़ दिया, फिर इसको मैं लिख सकता हूं एन सी एन माइनस वन की वैल्यू एन, और एक्स की पावर एन ये होगी। अब देखो इस यहां से कॉमन कितना आ रहा है, एक तो माइनस वन की पावर एन कॉमन आ रही है, तो माइनस वन की पावर और ये मैं कॉमन निकाल दूं तो ये तो प्लस वन, यहां पे आपका देखो माइनस वन की पावर माइनस वन है, नीचे जाकर आपके प्लस हो जाएगा और ये माइनस वन हो जाएगा, और ये एन, और एक में एक्स की पावर एन को कॉमन निकाल दूं। आपको इसी का कोफिशियंट चाहिए था, तो कोफिशियंट ऑफ, ठीक है, लिखा हुआ नहीं लिखा, ये रहा कोफिशियंट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस वन की पावर एन इंटू वन माइनस एन, ये आपका आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर यस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप स्किप कर लेना जहां से थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना आपको, ठीक है, मैंने कॉमन निकाला एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन पूरे में से ये और ये कॉमन आ जाएगा, वन मिल जाएगा आपको, और ये देखो ये सोल्व करोगे आप ये वाली वैल्यू तो माइनस वन की पावर नीचे आएगी तो ये प्लस वन होगा, और ये वैल्यू कितनी होगी माइनस वन आएगी, तो ये माइनस इस एन के साथ मल्टीप्लाई होगी माइनस एन देगा आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, और इस क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट है, और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही, थैंक यू।